वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 11:30। ये देखिए तो इधर कंडा जल रहा है, और जब तक ये जल रहा है जब तक हम पूजा की तैयारी करते हैं। जब तक ये जल रहा है इसको थोड़ा कम कर देते हैं, तेज में जल्दी जल जाएगा। कम कर दिया, ये जल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है कि हमें माँ को सिंदूर लगाना है। तो हम माँ को सिंदूर अर्पित करते हैं। देखिए, सिंदूर माँ को लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिंदूर में आप रोली भी लगा सकते हैं, और जो शुद्ध सिंदूर होता है वो भी लगा सकते हैं, और हल्दी। ये तीन चीज़ें अभी हम माँ को लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने सबको हल्दी कुमकुम और माता रानी को हल्दी कुमकुम फूल ये सब कर दिया है। देखिए, सिंदूर लगाना बेहद ज़रूरी है। माँ को सिंदूर बहुत पसंद आता है। पहले अब सबसे पहले जल से हम आचमन करेंगे, उसके बाद हम फूल और हल्दी कुमकुम करेंगे माँ को। और ये देखिए, जो हमने अंगाड़ी बनाई थी वो भी हमारी बन चुकी है और आ चुकी है। अब इसके बाद हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। फूल वगैरह मैंने माँ को चढ़ा दिए हैं, अर्पित कर दिए हैं, और टाइम 12 बजने वाले हैं। तो अभी हम बनाएंगे दीपक, और ये दीपक हम तीनों के नाम का बनाएंगे, माँ के नाम का और हनुमान जी के नाम का और बाबा भैरव के नाम का। तो ये तीनों लोगों के नाम का दीपक है जो हम जला रहे हैं। तो हम दीपक को स्टार्टिंग में ही जला के रख देंगे। दीपक हमेशा हमें भगवान के राइट में रखना है, क्योंकि अगर हम बीच में दीपक नहीं रखते, क्यों नहीं रखते वो मैं वीडियो के सामने ज़रूर लेके आऊँगी कि हमें दीपक किस तरफ रखना चाहिए, जल किस तरफ रखना चाहिए, प्रसाद किस तरफ रखना चाहिए। तो ये है जो हमारा दीपक बन चुका है, जो हमारे इष्ट देव और हमारी माँ के नाम का है। इसमें हम तीनों देवों के नाम का दीपक लगा रहे हैं। कभी कभी मैं दो दीपक भी लगा लेती हूँ, अपने इष्ट का और अपनी माँ और भैरव बाबा का अलग लगा लेती हूँ, और कुल देवी और इष्ट देव देवता का अलग लगा लेती हूँ। अभी फ़िलहाल में मैंने एक ही दीपक लगाया है, जिसमें हम हनुमान जी, भैरव बाबा और माँ काली का दीपक एक साथ लगा सकते हैं। तो दीपक हो गया, और ये हो गया जल, ये ज़रूरी है। अभी हम प्रसाद लगाएंगे, जिसमें हम एक कटोरे में ये प्रसाद रख देंगे, जिसमें ड्राई फ्रूट और पंचमेवे का प्रसाद है। तीन या पांच बसाते के जोड़े ये रहे, और वो थी इलायची। तो ये रहा माँ काली का प्रसाद जो माँ को देंगे, जिसमें तीन या पांच बरसाते होंगे। ठीक है, एक, ये दो और तीन, ये अंगारे पे हम भोग देंगे। दो इलायची के जोड़े और दो लौंग के जोड़े, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, पंचमेवा वगैरह, मूँगफली। और अब हम धूप भी जला के रख देंगे।
ये कपूर रहा आरती के लिए, ये कपूर रखेंगे हम इधर। और थोड़ा सा कपूर हमें पूरे उस पर छिड़कना है। और ये रहा घी, ये रही थोड़ी सी शक्कर, ये रही गूगल, माँ को गूगल अति प्रिय है। और अभी हम माँ को प्रसाद लगा देंगे, तो माँ से बोलेंगे हाथ जोड़कर, जब हम प्रसाद दे रहे हैं तो हमें हाथ जोड़कर बताना है कि हम किसके प्रसाद दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम अंगारी पर भोग देते हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो अगर ये आप सभी बतासों पर एक एक कपूर रख सकते हैं, और अगर मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे लगेगा कि ये काम नहीं कर रहा है, तो मैं सभी बसाते पर और कपूर रख दूंगी। ये देखिए, और सबसे अच्छी बात आपको दिखाऊं, देखिए मेरे दीपक में फूल बन रहा है। फूल क्यों बनता है, किस आकृति का क्या मतलब होता है, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये फूल बन रहा है, और ये रहा प्रसाद जो माता रानी को अंगारी पे प्रसाद दे दिया है। अभी ये प्रसाद लगा चुकी हूँ, ये आरती के लिए रेडी है। आरती सबसे बाद में करती हूँ, तो अभी ये प्रसाद के ऊपर हम तीन बार पानी से ऐसे करेंगे, उतारेंगे। अभी सब कुछ हो चुका है, ये प्रसाद लग चुका है। अभी मैं करूँगी पूजा। पूजा में सबसे पहले मैं माला जाप करूँगी। सबसे पहले मैं आसन पूजन करती हूँ, आसन का पूजन करूँगी, आसन कीलन करूँगी, गुरु मंत्र करूँगी, और फिर माँ की मालाएं करूँगी। और फिर इसमें मुझे लग जाएगा कम से कम 1 घंटा। उसके बाद 12 बज चुके हैं, और इसके बाद माँ का चालीसा करूँगी, और चालीसा के बाद मैं भैरव चालीसा करूँगी, और हनुमान चालीसा कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ नाइट में, बट भैरव चालीसा और माँ का चालीसा करूँगी। उसके बाद मैं आरती करूँगी मैया की, और उसके बाद मैं आसन को छोड़ूंगी। तो अभी मैं मालाएं कर लेती हूँ। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, सात्विक तरीके से माँ की पूजा कर रहे हैं, तो आप रुद्राक्ष की माला का ही उपयोग कीजिए। और अगर आप तंत्र साधना कर रहे हैं, तो फिर आप काले हकीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं रुद्राक्ष की माला से करती हूँ।
हमेशा इस तरीके से बैठ के और यहाँ सीने के पास रख के हम जाप करेंगे। तो अभी मेरा जो जाप है वो गुप्त ही करूँगी।